गुड मॉर्निंग टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर सेवन इट मीन्स पोएम सेवन सुभाषित कुमानी सो बिफोर दैट आई 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 वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से समथिंग एट स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड यू नो द सुभाषित ओके सुभाषित को हम क्या कहते हैं ऐपीग्राम्स और एपी हमें क्या सिखाते हैं समथिंग न्यू ओके दैट इज़ वाई सुष्टु भाषित सुभाषित दैट विच इज सेड वेल इज सुभाषित एपिग्राम द लिटरेट बिलीव दैट पृथ्वी या त्री रत्ना देर आर थ्री जेम्स ऑफ ऑन द अर्थ वन थ्री वाटर फूड एंड वाइसे वायसे इज अपिग्राम ओके सो टुडे वी विल लर्न एपिग्राम seventh epigram 7 7 epigram are presented here which beautiful describe the value of good people words usefulness of trees virtues with efforts laws, cases used by unstable mind, minded persons means of the examined man word following virtues of the great person and nature uh, uh, resolute persons are presented here with a view of important moral value, good qualities, and life skill is a, a life skill in students who are citizens of tomorrow's. These subashitas are presented here. So is a very good. All Subhashitas are very good. They are exactly set on the real life examples. Okay, let's see. सिद्दी तो लीलिया प्रोक्त शिलालिखित अक्षर जले लिखित अक्षर अस्ति। ओके सो फर्स्ट सिद्धि, इट मीन्स गुड सिद्धि इट मीन्स गुड पर्सन्स इट मीन्स तू इट मींस उनसे जो गुड पर्सन है उनसे ली लया इन द्लेइंग टाइम खेलते खेलते प्रतम इफ इट इज अगर उन्होंने कुछ बोला भी शीला इट मींस पत्थर ओके okay? पत्थर स्टोन लिखितम यानी कि लिखा हुआ अक्षर यानी अक्षर। यानि कि एज अ गुड पर्सन कोई खेल खेल में ही अगर वह कुछ बात भी कहते तो उनकी बात कैसी कही जाती है जैसे कि हम लोग ने आ, कोई माउंटेन के ऊपर राइटिंग स्क्रबल की हो उस तरह से ठीक है पक्का वाला प्रॉमिस बिकॉज गुड पर्सन अगर कहता है वो करके दिखाता है बट अपोजिट असिद्धि ही लेकिन कोई बैड पर्सन बैड पर्सन इट मीन्स दो नॉट एबल टू डू एनीथिंग वो कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है उसको कुछ करना ही नहीं आता वी कॉन्ट बिलीव हिम न पी, अगर वो किसी की कस कसम भी खा ले, ओके, okay? खेलते खेलते अगर वो कुछ ऐसा बोल भी जाए न, हाँ आई स्वेर आई विल डू डेफिनेटली मैं प्रोमिस करता हूँ ये सब अगर ऐसी कोई ऐसी बात बोले ना तो डेट टाइम उनके वर्ड किस तरह से होते हैं जैसे कि जले इट मीन्स की वाटर सरफेस पे लिखी तम अक्सर जैसे कि वाटर की सरफेस पे हम जैसे राइटिंग लिखते हो और कैसे तुरंत ही वो जैसे एक लेवल पे ही आ जाता है पानी वैसे उसने कहा प्रोमिस किया स्वेद दी सब कुछ किया लेकिन हमें पता है कि इज़ नॉट एबल टू डू ही और शी वॉट एवर ओके तो जो गुड पर्सनस जो अच्छे पर्सन होते हैं जो अपने आप में बिलीव रखते हैं दो तो आर नॉलेजेबल पर्सनस अगर उन्होंने खेल खेल में ही अगर कोई प्रॉमिस कर दिया कोई बात कर दी तो वो अपना प्रोमिस हंड्रेड एंड वन परसेंट उसे पूरा करते हैं जैसे कि कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर की तरह हंड्रेड okay, परसेंट अपना प्रॉमिस पूरा करते लेकिन कोई झूठे इंसान ने यानी कि कोई गलत पर्सन ने अगर कसम खाने के बाद भी ठीक है वो कसम भी खा ले हाँ आई एम डेफिनेटली डू आई एम डेफिनेटली डू प्लीज आई प्लीज बिलीव मी बराबर इस तरह से अगर कोई uh, इस तरह से कोई अगर बोले तो उसके उसकी जो वर्ड्स की वैल्यू क्या होती है तुरंत ही मिट जाने वाली ओके okay, फॉरगेटेबल उसको कभी भी हमें भूल जाना होता है ओके okay? नेक्स्ट सेवी तव्यो महावृक्ष फलम छाया समन्वित यवि देवात्मने फलम नास्ति च चा छाया के निर्वायते इट इज वेरी ब्यूटिफुल ओके सेट इन योर एग्जाम सेट इन योर लाइफ एग्जैक्टली सो आपको फ्रेंड कैसे रखने चाहिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सेवी तव्यो सेवी तव्यो महावृक्ष है इट मीन्स की जो हमारे आ, हमारे काम के हैं एक तरह के कहा जाए जो गुड पर्सन है जिसकी हम सेवा कर सकते महावृक्ष बड़ा सा वृक्ष बिग फल छाया है समन्वित वो फल भी देता है और वो छाया भी देता है इट मीन्स हमें हमेशा बड़े से पेड़ को रखना चाहिए बिकॉज ऑफ कि वो हमें क्या देता है फल भी देता है शेडो भी देता है और कभी कभी वो अगर वो सूख जाए तो उसकी वुड भी जो है वो हमें फर्नीचर बनाने के लिए नहीं तो एज अ फ्यूल भी हम उसमें यूज कर सकते हैं यदि देवात्मा ने फलम नास्ति, यदि अगर आपके पास ट्री तो है बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो हमें फलम नास्ति अगर उस पर फल नहीं भी आए तो छाया के निर्वायता बट उसकी शेडो जो है वो कोई छीन सकता है कोई नहीं छीन सकता उसी तरह आपको अपने फ्रेंड भी ऐसे ही रखने चाहिए ठीक है जैसे जिसका बड़ा दिल हो भले उसके पास पैसे ना हो वो अमीर ना हो लेकिन बुरे समय आने पर आपके साथ तो खड़ा हो हमेशा आपको अपने ऐसे फ्रेंड ढूंढने चाहिए ओके सो हमेशा याद रखना लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी फ्रेंड्स हो सारे पैसे वाले हो सबके पास कार हो ऑडी हो किया हो फॉर्चूनर हो बहुत सारे पैसे हो बराबर ऐसे फ्रेंड कई बार ऐसा होता है कि समय आने पर वो मुँह कर जाते हैं तो उससे बेटर एक फ्रेंड हो तो कोई बात नहीं बट ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपके साथ एनी टाइम एनी वेर आपके साथ खड़ा रह सके और आपका साथ दे और सिर्फ यही कहेट वरी आई एम विध यू ऐसे शैले यहा निपात क्षण नाद तथा आत्मन गुण दोष ये भी बहुत अच्छा है ठीक है महत्ता यने न बहुत ही कोशिश के बाद शिलाहा शैले ही शिला शिला इट मीन्स की बड़ा सा पर्वत ठीक है शैलेही यत्ने न महान यथाहा मान लो कि एक छोटा सा पत्थर भी हो अगर उसे हमें माउंटेन पे चढ़ाना है तो बहुत ही कोशिश बहुत ही कोशिश करते हैं तब जाके हम उसको माउंटेन पे चढ़ा पाते हैं छोटा सा पत्थर भी ठीक है हमको आरोप्य थे यानी कि अगर हमें कोई पहाड़ चढ़ना है एक बड़ा सा पत्थर लेकर तो बहुत ही कोशिश के साथ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुत ही केयरफुली हम जैसे वैसे करके वो माउंटेन पर तो चढ़ जाते हैं उस छोट उस पत्थर को लेकर ठीक ले ख़ण ना, है उस स्टोन को लेकर निपात्य क्षण क्षण नादह निपात निपात इट मीन्स पता है निपातती Down, नीचे गिर जाना। moment, it means के नीचे। अगर सोचो कि आप बड़ी ही मुश्किल से एक पत्थर को किसी माउंटेन के ऊपर लेके चढ़ते हो बट उसी तरह से ठीक है उसी तरह से तो उसी तरह जिस तरह से एक तो उसी तरह अगर कोई इंसान है ठीक है सम पर्सन्स वो अपने आप को अपनी क्वालिटीज़ के साथ बड़े ही ऊपर जाना चाहता है मेहनत करके अगर ऊपर जाना चाहता है तो वो उसको टाइम लगे इट्स टेक अ टाइम बट इट बट को इंसिडेंस उसके कोई काम में या कहीं पे भी एक थोड़ी सी गलती भी हो जाए ना तो विद इन सेकेंड में वो इंसान को सीधे ऊपर से नीचे लाके लोग रख देते हैं क्षणे दृष्टम क्षणे दृष्टम 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 क्षणे अव्यवस्थित चितस्य प्रसादो अपि भयंकरः क्षणे क्षणे विद इन अ मोमेंट एक मोमेंट में हैप्पी और एक एक मोमेंट में गुस्सा ओके विद इन अ मोमेंट हैप्पी एंड विद इन अ मोमेंट एंग्री तो जो बार-बार गुस्सा होते हैं हंसते हैं क्षणे क्षणे मोमेंट अपना जो मूड चेंज करते रहते हैं वैसे लोगो अव्यवस्थित ऐसे अव्यवस्थित यानी कि ऐसे ऐसे जो एसे जो माइंड वाले होते हैं कि विवरिंग माइंड वाले ओके वो लोग प्रसादो अपी भयंकर वो लोग है ना बहुत ही डेंजरस होते हैं सो बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स ओके सो ऐसे लोगों का फेवर अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा हो ऐसा हो कि आ, जो जिसका माइंड ऑलवेज ब्यूवरिंग होता है अगर वो आप पे बहुत ही खुश हो जाए और आपका फेवर करे दैट इज़ ऑल्सो डाउटफुल केस सो ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट नेक्स्ट यथाचतुर्भि कनक परीक्ष्य निघर्षण छेदनम तापम ताड़ने ही तथा चतुर्भ पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलें गुणेन कर्मण इट मीन्स चतुर्बीहि कनक परीक्षेति गोल्ड जो होता है ना उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए उसे भी एग्जामिनेशन में से पास होना पड़ता है एंड दैट इज़ अ फोर टाइप इज अ एग्जामिनेशन होती फर्स्ट हम निगर्षणम इट मीन्स की रबिंग उसको रब करते हैं छेदनम कट करते हैं टापे ही उसको हीट करते हैं आफ्टर दैट ताड स्ट्राइकिंग ओके कौन से एग्जामिनेशन में से पास होना पड़ता है रबिंग कटिंग हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग अ सेम काइंड ऑफ तथा चतुर्भी ही पुरुष परीक्षित और उसी तरह से एज अ पर्सन को अच्छे इंसान को भी ऐसे फोर टेस्ट में से उनको पास होना पड़ता है तो कौन से श्रुतेन नॉलेज शिलेन कैरेक्टर एंड गुणेन वर्च्यूज़ एंड वर्क ओके वर्च्यूज़ एंड वर्क यानी कि इंसान किस तरह से उसका कैरेक्टर कैसा है उसके पास नॉलेज कैसा है उसके पास क्वालिटीज़ कैसी है वो किस तरह से काम करता है तो इस फोर क्वालिटीज़ में से इस इस फोर तरीके एग्जाम में से एज अ गुड पर्सन को भी इसमें से पास होना पड़ता है ठीक है दिस दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम ओके सो किप इट इन योर माइंड

किस तरह से लोगों को कैसे रहना चाहिए ओके आपत्तु रामह इट मीन्स की कैलोमिटीज के टाइम पर ठीक है मुसीबत के समय हमेशा राम की तरह रहना चाहिए कि कैसे पेशेंस होना चाहिए कोई भी मुसीबत आए तो हमें पेशेंस हमारे में सब में पेशेंस होना जरूरी है ओके okay? समरेशु भीम इन्स बैटल युद्ध जब आपके आप युद्ध करने तो हम नहीं जाते फिलहाल लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आए ठीक है हमारे माइंड के अंदर कभी कभी युद्ध होता है इट्स अ डिफिकल्टी अराइज वॉट टू डू एंड वॉट टू डू नॉट सो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे रहना चाहिए भीम की तरह दानेशु कर्ण है चैरिटीज़ चैरिटी यानी कि किसी को दान देना दान देना और ये सब होता है तब किसकी तरह कर्ण की तरह, तरह. ठीक है रामायण अरे सॉरी महाभारत में आपने देखा होगा कि के जो कर्ण है वो बहुत ही बड़ा दानेश्वरी था नयनेशु कृष्ण नयनेशु कृष्ण कृष्ण क्रिश्न की तरह पॉलिसी कृष्ण की तरह सब में पॉलिसी होनी चाहिए ठीक है समय और वक्त और समय के साथ अपने आपको डालना चाहिए भीष्म प्रति प्रतिज्ञा परिपालनेशु ठीक है जिस तरह से भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा ओके इन एक्ट ऑफ फुलफिलिंग द प्लेज तो उसने जो प्रतिज्ञा ली थी उसने फुलफिल की थी और विक्रांत कार्यशु भव अंज नहीं है विक्रांत कार्य कोई बड़ा सा कोई भी काम करना हो तो उसमें किस तरह से भव अंज नहीं अंजनी का पुत्र कौन है अंजनी पुत्र कौन है हनुमान तो हनुमान की तरह रहना चाहिए था जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ था तो उनको कौन सी जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था संजीवनी बट उनको कुछ पता ही नहीं चला तो वो पर्वती उठा के आ गए इसलिए विक्रांत कार्यशु भव अंज नहीं कोई कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो तो इन एक्ट लाइक हनुमान लास्ट प्रारंभ प्रारंभते न खु विघन भय नीचे ही प्रारंभ विघ्नहता मध्या विघ्ने पुनः पुनः अति हन्यम प्रारंभ च, च एत प्रजा न परत्यज इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि विद्न यानी कि डिफिकल्टीज ठीक है डिफिकल्टीज स्टार्टिंग समथिंग न्यू समटाइम्स तो डिफिकल्टीज आती है ना में इन स्टार्टिंग uh, में जब कोई भी डिफिकल्टीज आती है ना तो सबसे नीचे वाला पर्सन जो बेचारा गरीब होता है उसको क्राइटेरिया तोड़ा होता है तो उसने डिसाइड किया होता है कि हाँ चलो इतना मेरा अमाउंट है ये बिजनेस करना है बट स्टार्टिंग में उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है तो क्या करता है वो बेचारा काम शुरू ही नहीं करता मैं उसके आगे नहीं जा पाऊंगा तो क्या करूँ प्रारम्भ विदना विरम इति मध्य अगर मिडल uh, पर्सन ठीक है स्टार्टिंग में कोई भी वो आ, कुछ भी शुरुआत करता है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानियाँ आती है तो आ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी वो कवर कर लेता है लेकिन कंटिन्यूसली डिफ़िकल्टी का सामना करने की बात आई जो मिडल पर्सन है वो क्या कर देगा वो भी काम कहीं ना कहीं पे स्टॉप कर देगा विद्न पुनः पुनः भी प्रतिहंत्या और जो ये डिफिकल्टीज है वो बार बार आती रहेगी ठीक है प्रारंभ ये उत्तम जनानाह न परित्यजी अगर लेकिन जो गुड पर्सनस है, ठीक है अच्छे लोग हैं कितनी भी डिफिकल्टीज आए उनकी लाइफ में ठीक है स्टार्टिंग में हो मिडल ऑफ में हो एंड में हो कितनी भी परेशानियाँ कितनी भी मुश्किल आए तो भी वो अपना काम कभी भी नहीं छोड़ते ठीक है कंटिन्यू रहते हैं जैसे कि यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनस है तो एक अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर पैसे की बात करूँ बेचारा कोई इंसान गरीब है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है मान लो कि उसका अमाउंट वन लाख रुपीस है बट वन लाख रुपीस में स्टार्टिंग में उसने खर्च कर दिया फिर और इतने पैसे आए तो एबल एबल ही नहीं है कम उसको कंटिन्यू बिज़नेस कंटिन्यू करने के लिए इसलिए वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा सेकेंड पर्सन जो है जो मिडल पर्सन है ठीक है वो क्या करेगा चलो ठीक है उसका अमाउंट फाइव लैख है उसने स्टार्टअप किया ठीक है फाइव लैक्स से स्टार्ट किया बट इट बिटवीन कंटिन्यूअसली खर्चे पे खर्चा तो मान फाइव लाख फाइव लाख से भी ऊपर चला जाता है सिक्स टू सेवन लैख एट लैक्स नाइन लैक्स सो वो भी टेंशन में आकर वो भी स्टॉप कर देता है बट दोज हु हैविंग मोर मनी जस्ट लाइक अंबानी आई गिव एग्जाम्पल है रतन टाटा दे ऑल आर दे ऑल आर हैविंग लॉट्स ऑफ मनी तो कितनी भी टेंशन आए ठीक है कभी जियो चले या ना चले लेकिन उनकी फैक्ट्रियाँ हैं वो तो चलने वाली ही हैं ठीक है दैट इज़ अ बेस्ट पर्सन तो उसी तरह से हमारी लाइफ में भी तीन तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं ठीक है जो बेचारे डर के हमारे कुछ करते ही नहीं सेकेंड वन है शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में मिडल ऑफ में डर के कारण छोड़ देते हैं और थर्ड पर्सन जो है जो खुद अपने आप अप में विश्वास रखता है दे आर थिंकिंग पॉजिटिव वे तो किसी भी हाल में वो अपना काम अपना एम कंप्लीट ही करके रहता है Okay, that's all for the day.